हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देना। और एक्चुअली आप लोग देखते हैं कि हम कोई भी एक्वेरियम का काम करते हैं, कहीं पर भी एक्वेरियम हॉबी शुरू होते हैं, उनका बहुत सारे एक्वेरियम्स होते हैं। अब इतने सारे एक्वेरियम होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पावर फिल्टर बहुत सारे एक्वेरियम होता है, स्पंज फिल्टर होता है, कैनिस्टर फिल्टर भी होता है, कॉर्नर फिल्टर भी होता है, बहुत तरह तरह के फिल्टर होते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा इनका सबका मेंटेनेंस करना कैसे होता होगा? आप लोगों ने हमेशा ही देखा होगा कि एक फिल्टर को साफ करना दिखा देते हैं, या तो देखे होंगे कि एक एयर पंप की एयर वाल्व चेंज करना, एयर पंप रिपेयर करना। बट ये जैसे मान लीजिए चलते हैं, एट एक्वेरियम का एक टर्सेट है मेरे पास, दो दो चार टैंक है, चौको आठ, एट टू टू करके पेयर है एक्वेरियम्स का, और एट एक्वेरियम टोटल। अब इनमें सब में फिल्टर के साथ साथ में आप लोग देखने को पाएंगे कि ये एयर बॉल्व लगी हुई है। अब आप लोग देख रहे हैं इससे एयर कम निकल रही है, इसके फिल्टर की यहाँ पेयर वाली पाइप कटी हुई है, फिल्टर वर्क कर रहा है। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ कुछ दिन बाद किसी का फिल्टर टेढ़ा हो जाता है, किसी के फिल्टर का शक्कर काम करना बंद कर देता है, खराब हो जाता है, ऐसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी क्या है, जो एयर जो पंप होता है, जिसका एयर बॉल्व होती है, ये हम पर लोग क्या करते हैं, मोस्टली शॉपकीपर्स क्या करते हैं, एयर पंप से सारा सिस्टम चलता है। और इस सिस्टम को चलाने का मैंने बताया था कि ये एयर पंप से, जैसे मैं तो एक एक्वेरियम चला रहा हूँ, वो नॉर्मल ये टू इन वन है। अब इसमें यूज़ पड़ती है सबसे ज़्यादा कंट्रोलर्स की, पॉइंटर्स की, टी की। अब आप देख सकते हैं इस एक्वेरियम बिल्कुल भी एयर नहीं आ रही है, ऊपर कर दिए आ गई, मतलब प्रेशर कम है कहीं ना कहीं। तो पूरा ठीक करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है इसकी सबसे पहले जाँच। अगर आप अभी एक साल से पुराना सिस्टम हो चुका है एक्वेरियम का, दो तीन टैंक चला रहे हैं, एयर पंप से कम हो गई एयर आना, कुछ काम नहीं कर रहा, तो अपन लोगों को स्टेप बाय स्टेप वर्क करना। इसके लिए हमें जांच करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा कि फॉल्ट कहाँ से है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब एयर नहीं आती तो उनको लगता है एयर बाल्ब खराब है, इसकी वजह से एयर नहीं आ रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, एयर बाल्ब उसकी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है, ये जो जॉइंटर्स वगैरह लगे हैं ये भी लीक हो सकते हैं, टी है ये भी ख़राब हो सकती है, यहाँ तक कि ये पाइप है वो भी ख़राब हो जाती है, उस पर भी एक पाइप आती है ऑयल आ जाता है, हार्ड होने लगती है, अपने आप ही जाम हो जाती है, चोक हो जाती है। लेकिन सारा कुछ तो अपन लोग अचानक से चेंज नहीं करते, तो अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ईजी स्टेप अपनाते हैं, और मैं सबसे पहले एयर पंप ही चेंज करके देखता हूँ, फिर उसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पास सोवो कंपनी का एयर पंप है, ये पहले भी लगा हुआ था जो कि अभी तक चल रहा था बकायदे बेहतरीन तरीके से, तो यही मैं फिर से यूज़ करूँगा। अभी हम लोग पाइपें देख सकते हैं ब्लैक हो गई हैं, ब्लैक हो गए, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई, मतलब कहा जाता है इस तरीके की पाइप हो जाती है, पाइप ख़राब हो जाती है ऐसी एकदम ख़राब, मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ से लीक भी कर सकती है, ख़राब भी हो सकती है, यहाँ से निकालेंगे तो भी ईजिली निकलेगी नहीं। इसके लिए मैं इसको यहाँ पर नई पाइपें लगाऊँगा दोस्तों, इसमें नई पाइप लगा रहा हूँ, अच्छे तरीके से जितना अंदर जा सके डाल देते हैं, उसके बाद लगभग 4 से 5 इंच की दूरी पे इसे कट करते हैं, फिर यही प्रोसेस सेकंड वाले पे भी करते हैं। अगर एयर पंप पाइप को बाहर फेंक देता है बार बार, तो आप लोग यहाँ पे साइड में कुछ कागज़ या रोई भर के उस पर फिर लगा सकते हैं, इसे बाहर नहीं आएगी, इसे ही सेम पोजिशन पर काट देंगे। अब चलते हैं, जहाँ पे पहले ये टी में लगा हुआ था जितना हिस्सा, एक्चुअल में फैल के टी की साइज़ के हो गए, तो इसे कट कर देंगे वहाँ पे, नहीं तो वहाँ से भी थोड़ा सा प्रेशर कम हो सकता है, फिर इसे वापस से ऐसे ही लगाएंगे। इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान देखें, अगर आप लोग एक्वेरियम शॉपकीपर हैं तो भी, अगर एक्वेरियम हॉबिस्ट है तो भी, कि एक एयर पंप से अगर आप लोग दो तीन चीज़ें चलाते हैं तो उसमें आप लोगों को क्या क्या करना पड़ सकता है, मेंटेनेंस करना हर चीज़ का, हर मशीनरी आइटम का बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे एक्वेरियम का भी होता है। अब एक ये दोनों तरफ लगाएंगे एक्वेरियम की पाइपों को, टी अभी मैं पुरानी ही यूज़ कर रहा हूँ, पहला स्टेप यही होता है, अगर प्रेशर कम हो जाता है एयर पंप का तो। इसे मैं ऊपर की तरफ रखा हुआ हूँ जिससे साउंड वगैरह थोड़ा सा कम आए, और अभी अगेन देखते हैं कि प्रेशर क्या है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ वाले बॉल में
डायरेक्ट ही एयर आने लगी बिना कुछ छेड़छाड़ के, बट बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, मतलब इसका लट्टू भी चेंज करना पड़ेगा। आप लोग इस वाले टैंक में देख सकते हैं एयर तो आ रही है बट फिर भी स्लो आ रही है। आगे चलते हैं, इसमें भी काफ़ी स्लो आ रही है, अब इसका भी अपन लोगों को ट्रीटमेंट करना है। अब मैं निकाल चेंज करूँगा, आप लोग इस पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अब इसको मैनेजमेंट करना, किसमें ज़्यादा है उसको कम करना है, जिसमें कम है उसमें ज़्यादा करना है, ये एक बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है। प्लान बनाना, जैसे आप लोग इधर कार्प और इस भूमकिन में देख सकते हैं काफ़ी ही तेज़ चलने लगा, इस पर गोल्ड वालों पर भी काफ़ी तेज़ चल रहा है। इसका एक उपाय है, सबसे पहले तो मैं इनकी एयर स्लो करता हूँ, इसकी जो लट्टू है उसे चेंज करता हूँ बिकॉज उस पर बिल्कुल भी नहीं आ रही है यार। सबसे पहले इसका मैं लट्टू चेंज कर देता हूँ, इसे फेंक ही देने का कन्फ्यूज़न होगा। इसका भी आगे का जो वहाँ पे पहले से लगा हुआ था लट्टू में, उसे कट कर देते हैं थोड़ा सा, बिकॉज ये फैला हुआ होता है तो यहाँ से लीक होने का संभावना होती है एयर को। ये आप लोग देख रहे हैं अभी भी एक ही जगह से एयर निकल रही है, ये रीज़न अब यहाँ पे आ रहा है कि एयर बाल ख़राब नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे प्रेशर नहीं आ रहा है तो यहाँ पास एक ही जगह से निकल रहा है, तो सबसे पहले प्रेशर को मेंटेन करते हैं और जिन जिन जगहों पे ज़्यादा आ रही है यार उनका कंट्रोल करते हैं। ये लगा हुआ कंट्रोलर, सबसे पहले तो अपन लोग इसको कंट्रोल करेंगे गोल्ड फिश वाले में और धीमा करते हैं थोड़ा सा, इतना सही है। अब आते हैं अपन लोग इधर, सबका कंट्रोलर ढूंढना पड़ता है। इसका इस वाले टैंक पे ही लगा है आप लोग, इसको भी इतना कर देते हैं, इतना इनफ है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही एयर आ रही है ऑस्कर वाले टैंक में भी, इसे भी थोड़ा सा हिसाब से कर देते हैं। बहुत ज़्यादा एयर, खैर अभी गर्मी का समय है तो इतना नुकसान नहीं है, लेकिन सीजन में विंटर के सीजन में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आते हैं यहाँ टिन फाइल बार, इनको तो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जब ये बड़ी होने लगती है स्पेशली। इसकी भी अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर के इस पार से फिल्टर भी गिर रहा है, इस फिल्टर को भी सीधा करना पड़ता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तार एयर पाइप के ऊपर से गई हुई है, इसे भी सही करेंगे, इसको ऊपर करेंगे। इतनी यार ठीक है, इनफ है इस फेसेस के हिसाब से। अब अपन लोग आते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि जब आप सीधी सी बात है अगर ऊपर वाले एयर कम हो चुकी हैं तो बाकी एयर जा कहाँ रही है, अब तो आनी चाहिए इन्हीं के पास जो नीचे फेसेस हैं। अब इनकी अपन लोगों की एयर करनी पड़ेगी तेज, जैसे कितना कर दी इस पर। अब आते हैं इस पर, इसकी कर देते हैं थोड़ा तेज, इसकी होगी इतनी। अब इधर देखते हैं, इधर थोड़ा सा तो एयर बढ़ चुका है बट ये आप लोग देख सकते हैं इस पर बुलबुले काफ़ी बड़े बड़े ही आ रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि ये एयर बॉल ख़राब है, एयर बॉल को चेंज करेंगे फिर से, ख़राब जितनी भी निकलती है हमें तुरंत फेंक देना है, अपने ऑफिस में अपने रूम पर मत रखिएगा नहीं तो उसकी वजह से बहुत कन्फ्यूज़न होगा, आप लोग धोखे खा जाएंगे। एयर बॉल वैसे थोड़ा सा ठीक है, बहुत सारे एयर बॉल्ब नई होती हैं थोड़ी देर बाद वर्क करना स्टार्ट करते हैं, बट इसमें थोड़े से बड़े बुलबुले आ रहे हैं, बट आ रहे हैं कई सारी जगह से, और वक्त है थोड़ी देर बाद इसके कुछ जो छेद है वो ओपन हो जाएं और ये वर्क करने लगेगी, क्योंकि बार बार एयर बॉल्ब में ऐसा ही हो रहा है, कई बार पानी सोखती है फिर तरीके से वर्क करती है, इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे इस पर। अब बढ़ते हैं आगे, आप लोग इस पर देख सकते हैं इस पर ऑलरेडी ठीक ही है सब कुछ, बढ़िया एयर आ रही है, चल रहा है, इनका नहीं चल रहा जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर, ये फिल्टर साफ है सब कुछ है, लेकिन इस फिल्टर की पाइप ही एयर वाली जो है वो मछलियाँ काट रही हैं। दो उपाय हैं, या तो आप इस पाइप को चेंज करें और या तो एक कंट्रोलर लगा के, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में पाइप आ चुकी है, यहाँ पे कोई कुतुली यहाँ पे, या तो एक आप जॉइंटर लगा के एक पाइप बाहर कर दें और या तो इसे पूरा ही निकाल दें, कई बार यहाँ से नहीं निकलती हैं तो इसका एक विकल्प है, इस पर डायरेक्ट लगा देते हैं जॉइंटर, पानी में रहने की वजह से काफ़ी हार्ड हो चुका है। अब यहाँ पर इसके आगे एक नई पाइप लगा देंगे, अगर हमारे पास एक कनेक्टर नहीं होता तो अपन लोगों को इसको यहाँ से निकालना होता, चाहे गर्म करके निकालते हैं कुछ भी करके, उसके बाद अपन लोग इतनी पाइप काट लेंगे इतने एक्वेरियम के बाहर आ जाए। यू अब इसे लगाते हैं कैसे, हमेशा बताता हूँ इस पर एक निशान होता है और एक फ़िल्टर पे भी निशान होता है, इस निशान को मिला के ही हमें लगाना होता है। ये आप लोग इधर देख सकते हैं मैं लगा रहा हूँ, ये निशान कट का और एक इधर,
दोनों निशान को मिला के यूँ लगाए। अब इसे वापस से इस पर भेज दिए। इसे थोड़ा सा कहीं हैंग करना होता है, फंसाना होता है बाहर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं बकायदे इस पर भी एयर निकल रही है, इससे भी बकायदे एयर निकलने लगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब आप लोग देख के सारा कुछ समझ सकते हैं कि कैसे मेंटेनेंस करना होता है। बाकी आप लोग ग्लास क्लीन करना, ग्रेवल क्लीन करना, सैंड क्लीन करना, इसके वीडियो पार्ट बाई पार्ट देखते रहते हैं। बट जो मेन मेंटेनेंस है एक्वेरियम शॉप का, फिटिंग का, कहा जाए तो एयर सप्लाई का, ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेनेंस, ये 4 से 5 महीने के अंदर जरूर एक बार चेक करना चाहिए। उसे बेहतरीन तरीके से बनाना चाहिए और फिर से रिन्यू करना चाहिए। तो उनके लिए भी फायदेमंद है, इनके एक्वेरियम की शॉप थी, जिनकी एक्वेरियम की शॉप नहीं, उनके लिए भी काफ़ी बेहद फायदेमंद चीज़ें हैं। क्योंकि एयर पाइप चेंज करना, कंट्रोलर चेक करना, एयर बल्ब चेक करना काफ़ी अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। बाय बाय।